प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की किस्में जारी की। इस मौके पर पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। बड़ी अच्छा लगता है इस चीज को कि एक जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। मैं पूरी रात एक्साइटेड रहा, मुझे नींद भी नहीं आई कि अभी कल प्रधानमंत्री से मिलना। 2014 से देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि किसानों पे और हमारी बहनों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए बहनों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा और किसान को तो मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया, जिसमें 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए गए हैं। वहीं बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधि फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी आदि कई सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी का किसानों से बातचीत करते हुए मजाकिया रूप भी देखने को मिला। साथ ही वहां मौजूद किसानों ने कृषि से संबंधित कई बिंदुओं पर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं है, फिर हम करें। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए, बाकियों में आपके जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो चार कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सर चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्स के MSP बता दिया सर। झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। जब आप सबसे मैं सुनता हूँ तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 3 देश के लोग हैं जिनका रुचि बढ़ा। हाँ, अमेरिका के लोग हमारे पास आए सर, सूरीनेम से जो है, सूरीनेम से आके सांसद हमारे पास आए थे सर, जिसके बारे में जानने के लिए, बातें करने के लिए। जो जैसे किसान भाई हैं, पहले सर सभी बाजरा रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे सर। इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट खाना पहले नंबर पर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है सर। हम मार्केट से उसे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। बता दें पीएम मोदी ने आगे कहा कि नई फसलों की किस्में किसानों के लिए काफी फायदेमंद होंगी क्योंकि इससे कम खर्च में ज्यादा मुनाफा होगा, इससे पर्यावरण पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बता दें इस मौके पर पीएम ने इन नई फसल किस्मों के विकास के लिए वैज्ञानिकों की सराहना भी की। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है, अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ कि इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, खेतों में गूंज रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने वहां मौजूद किसानों से पूछा कि जब खेती की नई नई वैरायटीज आती हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है आप लोगों को कैसा लगता है। आइए किसान मेरे अंडर आ जाए, खाते में भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव, तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है,
और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोग ग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चा गन्ना निकाल के सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना, समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। अरे वाह। इस दौरान किसानों ने कृषि से संबंधित बातें करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा भी की। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना तकरीबन कट जाता। कई बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बातें पूछे। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ी है और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड भी शुरू किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रह जाएगी। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपने घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।